राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज जैन मंदिर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में शिक्षा और भारत विषय पर दो दिवसीय परिचर्चा का शुभारंभ बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद, रमेश चंद्र अग्रवाल और शिक्षा परिषद के अतुल कोठारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि विदेशी शिक्षा नीति ने भारत के इतिहास को पीछे धकेल दिया है। 70 वर्षों के मंथन में भी यदि कुछ नहीं निकला तो यह चिंता का विषय है। भारत की युवा शक्ति विराट है, उसे केंद्रित करने की जरूरत है। शिक्षा के लिए भाषा अनिवार्य होती है। हमने प्रथम बार सुना, शिक्षा में यदि परिवर्तन करते हो तो भाषा जो वर्तमान में ले रखी है उसको आप छोड़ दीजिए। उससे का हमारा विरोध नहीं है, किंतु जो आप भारतीय संस्कृति के अनुसार देखना चाहते हो उस भाषा में कभी भी वह सूत्र मिलेंगे ही नहीं, और जो सूत्र है वो अपने हाथ से निकलते चले जाएंगे। इतिहास नहीं पढ़ने का अर्थ ये हुआ आप लोगों ने अपने दादा और परदादा से परिचय ही संबंध समाप्त कर दिया, जिसके माध्यम से आपकी परंपरा चल रही है, उसको जीवित रखेंगे तो सुख और शांति का अनुभव करेंगे। और बाप दादाओं के जो जमाने में यहाँ पर आकर के पढ़ते थे विश्व के कोने कोने से, वह आज कहाँ चला गया? हमारी धारणा बन गई, हमारी शिक्षा यदि मिलेगी विदेश से ही मिलेगी और उसी भाषा के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो हम बाबू बाबू बनते चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वतंत्र कोई नहीं हुआ, बाबू का अर्थ क्या होता? नौकरी करना, दूसरे की सेवा करना होता है। स्व की सेवा तो करेंगे, जो व्यक्ति निश्चित रूप से जब मरणासन्न होगा तो उसकी सेवा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने और कुछ सीखा ही नहीं। शिक्षा परिषद के अतुल कोठारी ने कहा कि शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने के लिए पहले मातृभाषा को मजबूत बनाना होगा। जीवन को मुक्ति दिला सके उस प्रकार की शिक्षा चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा चाहिए जिससे बच्चे सत्यवादी होगा, ज्ञानी होगा और इन सारे गलत बंधनों से मुक्त होगा। क्या इस प्रकार की शिक्षा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में नहीं चाहिए? सब जगह चाहिए। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने देश की बात करते तो फिर विश्व की बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा देश की बात इसलिए करते हैं कि पहले तो जिस देश में यह सारा ज्ञान पनपा था वहां तो पहले उसकी पुनर्स्थापना हो, तब तो दुनिया उसका स्वीकार करेगा। इसलिए हमारा लक्ष्य तो सिर्फ मनुष्य तक नहीं है, जीव जंतु चराचर सृष्टि समष्टि परमेष्टि तक का है, और सबका कल्याण हो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। आज देश की जो भी समस्या है उसका मूल कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। इसलिए हमने सूत्र एक नारा दिया है जो हमारे जीवन की प्रतिबद्धता है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। जब तक देश की शिक्षा नहीं बदलेगी तब तक हम देश को बदल नहीं सकते। वहीं बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने कहा कि नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला हमारी प्राचीन शिक्षा के केंद्र रहे हैं जिसमें दुनिया के लोग आते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को जाना और दुनिया में विस्थापित किया। शिक्षा का समाधान अतीत में ही छिपा है, उसे छोड़ना नहीं है। अक्षर ज्ञान के माध्यम से प्राइमरी, हाई स्कूल, उसके बाद में आपका इंटरमीडिएट और एसएसबी ग्रेजुएशन और न जाने कितना आप पीएचडी तक कर लेते हैं, वो सब एक अक्षर ज्ञान के माध्यम से कुछ चीजों को इस विश्व में या ब्रह्मांड में जो चीजें हैं उनका आपको ज्ञान होता है। सही मायने में जो भारतीय परंपरा है उसमें कहा जाता था, उसमें अक्षर ज्ञान पर इतना जोर नहीं दिया जाता था जितना कहा जाता था कि हमारा बच्चा या हमारी बेटी पढ़े भी और करे भी। ये पढ़ाई और कढ़ाई का जो शब्द था, कढ़ाई का वो नहीं, ये जो बुनाई उसका संबंध नहीं है, करना मतलब एक जिसको गढ़ना कहते हैं, जिसको कि आता है जो शिक्षा के बाद की जो एक स्थिति होती है उसको कहा जाता है करना,
कढ़ा, कढ़ा मतलब आपको अनुभव के आधार पर जो चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं उनको आप अपने आचरण में ले आए। आज कितने लोग हैं जो आधुनिक भाषा में पढ़ाई होती है, आधुनिक जो शिक्षा है उसको कितने लोग आचरण में लाते हैं, वो भूल जाते। केवल हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा सही मायने में कि उनका एक ही मात्र लक्ष्य होता है कि कैसे हम नौकरी हासिल करें। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ राम पवार की रिपोर्ट।